अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम एम बर्ड्स इंफॉर्मेशन। उम्मीद है सब दोस्त खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज ये वाले दरवाज़े पेंट होने हैं, ये दरवाज़े की सफाई हो रही है और साथ जो ये ग्रिल है ये साफ़ होनी है। तो ये पहले साफ़ हो जाएंगे तो फिर आगे से इनके ऊपर पेंट वगैरह होगा और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा जब ये पेंट एक दफ़ा ये साफ़ हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी तारें वगैरह भी इकट्ठी करनी है मैं, इन पट्टी वगैरह लगेगी और ये पेंट हो गया था कल और अब पेंट होकर दिखाता हूँ। तो नहीं जी, ये एक दरवाज़ा पेंट हो गया, ये फ्रंट बैक ये दो दरवाजे हैं तो ये दोनों पेंट हो गए हैं। जो जो पहले कलर हुआ हुआ था वही वाला कलर किया है। फिर यहाँ से देख रहे हैं अंदर वही परिंदे पड़े हुए हैं, शाइनिंग से पता लग रहा होगा नया पेंट है। और ये ग्रीन से भी ये जो से बीच में ये जाली लगी है यहाँ से पता लग रहा है। और वो वहाँ पे पड़े हुए हैं ब्रीडिंग बॉक्स पुराने वाले जो लगे हुए थे। ये इंशाल्लाह ये पेंट मुकम्मल होता है दरवाज़ों का तो मैं ये वाले अंदर वाले पेड़ जो से पुराने हैं ये बाहर जहाँ पर रखने हैं वहाँ पर आके ये ब्रीडिंग बॉक्स उनको कोशिश करूँगा कि मैं लगा लूँ। ये साफ़ करके रखे हुए हैं मैंने, इनको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये साफ़ है बस अंदर ये थोड़ा बहुत जाला लग गया तो ये मैंने कहा फिर इनको साफ़ करूँगा और फिर इनको लगा दूँगा। इसी तरीके से दूसरा भी आपको दिखाता हूँ, पहले इसको बंद कर लूँ। ये छोटे बॉक्स हैं, ये बड़े वाला, ये भी आपको दिखाता हूँ। खुल ही नहीं रहा, ये ज़रा अड़ गया, ये खुल गया। ये साफ़ है बिल्कुल अंदर से लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जाला वगैरह लग गया, लेकिन ये मैं लगाने से पहले जब साफ़ करूँगा फिर अंदर ब्रादर वगैरह डालूँगा लगा के। ये सारे ब्रीडिंग बॉक्स पड़े हैं, ऐसे पीछे भी पड़े, ये अंदर सारी नीचे अखबार वगैरह बिछाई हुई है ताकि पेड़ नीचे ना गिरे। इससे आगे वो वाली जो सी ग्रिल है सारी ये पेंट होगी और ये वाला दरवाज़ा पेंट होगा, ये वाला, ये दोनों दरवाजे पेंट होंगे और वो पीछे जो सी ग्रिल है सारी वो पेंट होगी। इसको देखूंगा बाद में करवा लूँगा। नहीं जी, अब ये पेंट हो रहा है तो इसके एक दफ़ा सफाई वगैरह कर रहे हैं फिर से और अब इसको फिर पेंट करेंगे। तो अब एक दफ़ा साफ़ हो जाए फिर इसकी सफाई वगैरह, सफाई हो रही है अब इसको फिर पेंट करेंगे इसके बाद। तो वो तो पेंट हो गया, अब बज गए हैं रात के 8 और काम अभी तक चल रहा है। ये वाला जो सी ग्रिल है, ये सेटअप की जो से एंट्रेंस वाला दरवाज़ा है वह ब्लैक पेंट करना है और यही बस आखिरी काम रह गया है। इसके बाद काम एंड हो जाएगा, पेंट वाला काम एंड हो जाएगा तो ये पेंट बन रहा है। और टाइम वैसे ओवर हो गया लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से लगे हैं, मैं उन्होंने कहा कि आज ही ये सारा तो पेंट हो गया है, ग्रिल वगैरह भी पेंट हो गई है, अब रह गया ये और इसको करना ब्लैक ही है। तो कर दिया पेंट करना और यार काफ़ी देर से ही लगा हुआ है, जब से ये लगा हुआ है दरवाज़ा तब से ये पेंट नहीं था और अब पेंट हो रहा है। बिफोर एंड आफ्टर आपको शाइनिंग से नज़र आ रहा है और मैं बाद में भी बिफोर एंड आफ्टर बना के देख लूँगा, अगर सही बनता हुआ तो वो मैं दिखा दूँगा आपको। वैसे इसके अंदर तो पेंट वगैरह उतरने लग गया था लेकिन ज़्यादा बुरी हालत नहीं थी कि बहुत ही गई इसको ज़रूरत थी, लेकिन मैंने कहा जब सारों को पेंट वगैरह करवा रहा हूँ तो इसको भी एक दफ़ा करवा ही लेता हूँ। पिंजरों का भी जहन आया था लेकिन अब टाइम ओवर हो गया हुआ है तो नेक्स्ट सीज़न इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पिंजरों को भी पेंट करवा लूँ जैसे पुराने वाले हैं, उनको हल्की फुल्का मुझे लग रहा है कि अब इनका ज़रूरत है पेंट की, लेकिन अब टाइम नहीं है। इंशाल्लाह मैं अगले सीज़न किस जब सीज़न ऑफ हो जाएगा तब मैं पेंट वगैरह करवा लूँगा अगर मूड बना मेरा तब,
लेकिन उम्मीद बहुत है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं करवा लूँगा पेंट इनको। इसको पहले दूसरा कलर करने लगे थे जो दरवाज़ों पे हुआ है ब्लू वाला, और जो सा ये ओफ वाइट कलर का हुआ है, कहा था कि इन दोनों को मिक्स करके वो कर लेते हैं। लेकिन फिर सोचा कि पता नहीं अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता, तो फिर मैंने कहा कि इसको ब्लैक पहले कलर ब्लैक के साथ ही इसकी ज़रा खूबसूरती है, तो इसको ब्लैक ही करवाते हैं। हर चीज़ को वही वही पेंट करवाया, तो इसको भी वही वाला पेंट करवाते हैं जो इसको पहले हुआ हुआ, तो इसलिए इसको भी ब्लैक पेंट करवाया। अभी शाइनिंग इसकी ज़रा चेक करें शाइन कैसा कर रहा है, मतलब कि अच्छा लग रहा है मुझे तो, मतलब पहले से बहुत बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया, पहले से बहुत बेहतर हो गया। चलिए आज की वीडियो यहाँ तक, कि फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।